हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में फ्लैक्स नेस्ट एडजस्टेबल बेंच प्रेस के बारे में। इसका एक पार्ट ब्रेक हो जाने की वजह से इसका जो पाइप है स्टील वाला, वो स्मूथली मूव नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये जो पाइप इससे जुड़ा हुआ रहता है, मतलब अटैच होता है, स्टील वाला ऊपर का नहीं जो सीट से जुड़ा है, इसका नीचे वाला पोर्शन जो है ये वाला, इसके अंदर ये जो दो रिपीट दिख रहा है ना, एक ये और एक ये, इस रिपीट से ये वाला जो टूटा हुआ ब्रोकन पार्ट है ये अटैच रहता है अंदर से। ये स्पेशली जो है इस ऊपर वाले को स्लाइड करता है, ऊपर वाले को स्लाइड करने के लिए मतलब ये लगा हुआ है। इस पोर्शन को चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हमें ये जो पोर्शन है ये नया चाहिए होगा और हम ये कंपनी में ऑर्डर करेंगे। कंपनी में ऑर्डर करने के बाद अगर आपका अंडर वारंटी में है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, और अगर आउट ऑफ वारंटी है तो उसका एक पर्टिकुलर चार्ज कंपनी को आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद से आपके पास जो टेक्नीशियन कंपनी से आएगा वही इसको इंस्टॉल भी कर देगा। इसे आप घर पर खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके दोनों साइड दो नट है, जस्ट इसको खोल लेना है, खोल के इसका जो अंदर का रॉड है उसको बाहर निकाल लेना है, और रॉड बाहर निकाल लेने के बाद आपको जो मशीन में लगा हुआ है बेंच प्रेस में, उसको भी निकाल लेना है और उसी जगह पर इसको फिट कर देना है। बहुत ईजी है, मैंने फिट कर दिया है इस वीडियो में, और इसको अब एडजस्ट करके देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से स्लाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें कई सारे होल बने रहते हैं जिससे ये लॉक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, और इसको आप जैसे बाहर की तरफ पुल करके इसको हल्का सा प्रेस करेंगे बेंच को, तो ये नीचे जाकर जिस जगह पर इसका होल होगा वहाँ पर जाके लॉक हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर का नंबर भी मिल जाएगा। फ्लैक्स नेस्ट के किसी भी तरीके की सर्विस के लिए या फिर किसी भी तरीके के इशू के लिए आप यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं और करके यहाँ से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियोस ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।